हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों से एक ज़रूरी बात करना है कि आरती और छोटू के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आरती तो बहुत गलत है, तो आप लोगों का पता ही है। और गोरखपुरिया भौजी है, उनको लोग गाली देते हैं और बहुत उल्टा पुल्टा सीधा बोलते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि आरती अगर छोटू से प्यार किया था तो छोटू को आरती नहीं मरवाया है, ये तो सही बात है और आप लोगों का पता ही होगा। और आरती अपने माँ बाप को जेल में बंद करके और मोनू का साथ एंजॉय कर रही है और मज़े ले रही है, ये बात तो सब जानते हैं कि आरती और छोटू कितना प्यार करते थे। अगर सच्चा प्यार करते तो आरती छोटू को क्यों मरवाए? नहीं मरवाना चाहिए ना। और छोटू को मरवा के और आरती अभी मजा कर रही है, पूरा मजे ले रही है मोनू का साथ में। हमें तो लग रहा है मोनू का भी इसमें हाथ होगा अपने भाई को मरवाने में। तो गोरखपुरिया भौजी जो कह रही है वो सच्चाई है और आप लोगों को समझना चाहिए। तो दोस्तों, सच्चाई अभी तक तो बाहर आई नहीं है, आप लोगों का पता होगा, अभी तक सच्चाई बाहर नहीं आई है। जो गोरखपुरिया भौजी बोलती है वो सच्चाई है और अभी पूरा सच्चाई बाकी है। और आप लोग मिलके अगर बोले तो गोरखपुरिया भौजी ज़रूर सच्चाई निकालेगी। और ये लोग आपस में, ये लोगों का व्यूज नहीं आता है, वीडियो वायरल नहीं होता, व्यूज नहीं आता है, इसीलिए ये लोग आपस में लड़ाई करते हैं और आगे बढ़ने के चक्कर में लोगों का मूर्ख बनाते हैं। तो क्या सच्चाई क्या बोले? ये बात सब जानते हैं कि छोटू को आरती नहीं मरवाया। और मुझे ये लग रहा है कि मोनू का भी इसमें हाथ होगा, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग अपना भाई का खोने का कोई दुख नहीं दिखता है। और आरती का बाप मतारी सब जेल में, जिसने पैदा किया उसको जेल में बंद करके कितना खुश है आप लोग सोच सकते हैं, जिसने जन्म दिया और उसको जेल में बंद किया है, और ये लोग कितने मज़े कर रहे हैं। और छोटू तो बेचारे दुनिया से चला गया और ये लोग कितने खुशी खुशी रहते हैं और कितने मज़े में रहते हैं, ये गलत है। और गलत कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, आज न कल वापस लौट के आता है, बुरे वक्त हमेशा किसी को आज न कल आएगा ही, और ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों का। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, अगर आरती छोटू के साथ में सच्चा प्यार करता तो मैं शादी नहीं करता। हाँ, ये बात भी सही है। अगर आरती अगर सच्चा प्यार किया होता छोटू से तो उसने बोला भी था वीडियो में कि हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे, हाँ, और जिंदगी भर हम उसको नाम को विधवा बन के रहेंगे। तो ये सब कहाँ गया? एक साल भी नहीं हुआ उसका, तो क्या बरकी भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और उसने शादी करके कितना मज़े ले रही है तो आप लोग को सामने में देख ही रहे हैं। तो ये सब गलत है। और गोरखपुरिया भौजी के अकेले लोग मिलकर विष्णु राज, रूपतारा ब्लॉग और ये आरती, ये सब मिलकर उसको गाली देते हैं। वो जो बात कहता है ना, वो हकीकत का कहता है। गोरखपुरिया भौजी जो भी बोलती है सच्चाई बोलती है, और अकेले उनको करके। और आप लोग बोलते हैं अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता, कौन नहीं है, सब अश्लीलता ही बनाते हो, कौन सही बनाते हो? पुराना वीडियो जाकर देखो पहले, अभी बोल दो अश्लीलता के खिलाफ अश्लीलता के खिलाफ। तुम लोग क्या सब तो अश्लीलता ही से आगे बढ़े हो? आज क्या व्यूज आने लगा, चैनल थोड़ा आगे बढ़ गया तो क्या सोचते हो कि अश्लीलता मतलब हम लोग बहुत अच्छे आदमी हो गए, अश्लीलता गोरखपुरिया भौजी हो गया? तुम सब तो अश्लीलता से आगे बढ़े हो, समझ गए ना। तो इसीलिए दोस्तों सबको सपोर्ट करना चाहिए और किसी को ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए, और जो सच्चाई है वो सच्चाई बोलना चाहिए और हर एक मुँह पर बोलना चाहिए कि आप गलत हो तो गलत हो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, आप लोगों का पता है। तो ठीक है, मेरा ब्लॉग पर बने रहिएगा और हम लोग नए नए वीडियो लाएंगे और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।